ऐसी एक बस्ती बसाना नैब ही की शान है नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है अहले वतन का मान है जुल्मते शब में सुहागे नूर का ऐलान है नैब से कीजिए तावन हर करप्शन के ऐसी हर बाजी करी इनके लिए आसान है नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है अहले वतन का मान अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 कराची स्टूडियो में करते हैं आपको खुश आमदेद तमाम सामईन की पोएरम काशिफ ने खुश आमदेद कर दिया है 12:34 हो चुके हैं लिसनर्स आपके लिए लेकर आए हैं नैब अवेयरनेस प्रोग्राम नैब के तावुन से और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडिशनल नहीं बल्कि डायरेक्टर नैब कराची तारिक हमीद बट साहब उनको वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम थैंक यू जी सर जी जी बिल्कुल थोड़ा सा आपको करीब आना पड़ेगा ताकि हम हमारे लिसनर्स आपको सुन सके अच्छा तारिक हमीद साहब सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि नैब क्या है और इसका काम क्या है थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए इरम दोबारा बहुत मेहरबानी जी नैब को आवाम के साथ डायरेक्ट रबता मुहैया करने के लिए एफएम 101 का बहुत शुक्रिया जी आपको पता है कि करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है कि 11 अगस्त 1947 को जिना साहब ने 14 अगस्त 1947 की हमारी जो यौम आज़ादी है उससे 3 दिन पहले जो एक इजलास में तकरीर की उसमें उन्होंने जो चीदा चीदा बातें फरमाईं उसमें एक अहम जिक्र करप्शन का भी था और इसको जहर करार दिया था उन्होंने तो उनकी जो दूर अंदेशी जो थी वो ये देख रही थी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कौम के मुब्तला होने का अंदेशा है और उसको उन्होंने उस सही वक्त पे मुतनबे किया था अब हम उस पे उस पैगाम से किस हद तक मुतासिर हुए जी। ये अब आज हमने फैसला करना है अगर हम देख सकें अपने गिरेबान में झांक कर करप्शन और एंटी करप्शन का मामला पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बनने के वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसे कहते हैं जो 1939 से 1945 तक इस खत्ते में रही जिसमें हम ब्रिटिश एम्पायर के का हिस्सा थे और हम एलाइड की तरफ से उसमें शामिल हुए तो यहाँ पे आर्मी की प्रक्योरमेंट्स और परचेजेस और जो उनकी अखराजात में करप्शन के मामलात आए तो यहाँ की जो उस वक़्त की पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थी उसको इसका टास्क दिया गया एंटी करप्शन का तो ये एक वजह वो बनी एंटी करप्शन एजेंसी को एस्टेब्लिश करने की तो जो उस वक़्त की पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थी उसको अंदर ही एक कायम कर दी गई फोर्स और उसको ये टास्क दिया गया तो 1947 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो इसकी बुनियाद बनता है इस काम की अब करप्शन मुख्तसरन और सादा तरीन अल्फाज में हम उसे कह सकते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई ऑफिसर या वो बा इख्तियार शख्स जिसके पास रियासती ओहदा है वो अपने फ़ायदे या अपने ज़रिए किसी और को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करे ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं है किसी और को भी फ़ायदा पहुंचाने का भी मतलब वही है तो ये करप्शन में आ जाता है
اب قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوشش بھی کی جائے اور نیت یعنی کہ بد نیتی شامل ہو کرپشن کی تو وہ بھی اس جرم کے ارتکاب میں آ جاتا ہے. پاکستان میں جو کرپشن سے متعلق ادارے ہیں ان میں تینوں ٹیئرز پہ ہیں, تینوں لیولز پہ, یونین کونسل, پروونس اور فیڈرل لیول پہ. صوبائی معاملے پہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں, اے سی ای کہلاتی ہیں, وہ ہر صوبے میں ہیں. فیڈریشن سے متعلق کرپشن کو دیکھنے کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کام کر رہی ہے 1974 سے. ایف آئی اے کا کام صرف فیڈرل آفیسرز کے کانڈکٹ کو, ان کے کرپشن سے متعلق جو رویہ ہے اس کو دیکھنا تھا. اب آج کل کیونکہ زمانہ جو ہے وہ بدل رہا ہے, بڑے بڑے اسکیمز آ رہے ہیں جس میں پبلک کے پیسوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور اس میں سرکاری کوئی عہدے دار ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا, شامل نہیں ہوتا. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے نیب جو ہے وہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب نیب وہ کام بھی کر رہا ہے جو ایف آئی اے کا ٹاسک تھا کہ وہ سرکاری افسران اور جو دوسرے عہدے داران ہیں, جس میں سیاسی عہدے داران بھی آ جاتے ہیں جو آفس ہولڈر کہلاتے ہیں, جیسے کونسلرز ہو گئے یا ایم پی ایز ہو گئے, پروونشل اسمبلی کے ممبرس یا نیشنل اسمبلی کے ممبرس یا سینٹ کے ممبرس یا بیوروکریسی کے کوئی بھی عہدے داران. 1985 سے ٹائم پیریڈ ہے, 1985 کے بعد سے جو بھی معاملات ہیں وہ نیب کے پرویو میں آتے ہیں. اچھا, یہاں ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا سر, ابھی آپ نے ایف آئی اے کا بھی ذکر کیا, اس طرح دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی ہیں, تو نیب سے یہ تھوڑا مختلف ہے یا ایک ہی کام ہے ان سب کا؟ میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. پر اے سی ای جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ میں اگر ہے, اے سی ای سندھ میں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سندھ کے جو پروونشل ادارے ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس ہے. اب سندھ پولیس آ گئی, سندھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہو گیا, سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ, سوشل سیکورٹی, اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں سندھ سے ریلیٹڈ وہ اس کے پرویو میں آتے ہیں, اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. ایف آئی اے بھی کبھی سیم اختیار ہے لیکن فیڈرل آفیسز سے ریلیٹڈ, سملر اختیار ہے فیڈرل آفیسز سے ریلیٹڈ. اب فیڈرل آفیسز جو آتے ہیں, جو فرض کریں کراچی میں یا سندھ میں کام کر رہے ہیں, اس میں پاکستان ریلویز, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا اس طرح کے ادارے, اب آپ سمجھ گئے ہیں, جو فیڈرل فیڈریشن سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ایف آئی اے کا اختیار آ گیا. نیب کا اختیار دونوں پہ کامن ہے. اچھا, یعنی کہ جو یہ میٹرز ان کے پرویو میں ہیں وہ نیب بھی کر سکتا ہے, مطلب فیڈرل بھی دیکھ سکتا ہے اور صوبائی سطح پہ بھی دیکھتا ہے, دونوں کو دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو وہ دونوں نہیں دیکھ سکتے, وہ پرائیویٹ لوگوں کا جو رویہ ہے اس کو وہ نہیں دیکھ سکتے, جو کہ نیب وہ بھی دے سکتا ہے, جس میں پرائیویٹ اسکیمز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اسکیم آ جاتا ہے, فرض کریں فائنینشیل اسکیمز آ جاتے ہیں, لوگ اسکیم بنا دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے پیسے دیں تو آپ کو اتنے پیسے ہم پروفٹ دیں گے پر منتھ, وہ ایک اب نارمل چیز دے دیتے ہیں شروع میں لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, اپنے گھیرے میں لانے کے لیے. تو اگر بینک فرض کریں 2% یا 5% پروفٹ دے رہا ہے منتھلی, تو وہ آپ کو 10% دے دیں گے, 5 times زیادہ, 5 گنا زیادہ, 6 گنا زیادہ. تو یہ لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی اب نارمل کو اردو میں کیسے بولیں گے, ہاں سمجھ آتا ہے, تو اب نارمل پروفٹ اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس کے لالچ میں یا اس کے دھوکے میں نہ آئے,
उसमें अपने इर्द-गिर्द लोगों से मशवरा करें तो सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने देखा बिल्डर्स भी इस तरह बहुत ज्यादा एक वो भी होता है कि लोग कुछ फ्लैट्स ले लिए जाकर उसको लेकिन उसमें भी फिर पता चलता है कि ये अथॉरिटी से नहीं होते वहां पर जाकर और वहां के आकर उन्होंने अपने पैसे वहां फंसा दिए और बिल्डर्स चले जाते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के साथ। बहुत अच्छी बात आपने की और कराची में मुझे अभी आए 9 महीने हुए हैं और मुझे ये देखकर अफसोस भी होता है और एक जो मार्केट की कंडीशन वो ये है कि यहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी है ज़मीन। कराची एक बहुत बड़ा अर्बन हब सेंटर बना हुआ है और यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मल्टीनेशनल इंटरेस्ट हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका कॉरपोरेट बिजनेस है, उनकी बिजनेस से अलावा भी इंटरेस्ट हैं यहाँ पे लोगों की। तो इस वजह से अभी आजकल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो चाइनीज़ कंपनी का आ रहा है, उन्होंने सीपैक में गवादर को कराची से ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पे कराची पे ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब ये जो लोगों को रहाइश की सहूलत देने के बहाने पे लूट लिया जाता है, जो लूट लिया जाता है उसमें लोगों से रिक्वेस्ट ये है सबसे पहले तो जिस भी स्कीम में जाएं उसकी 2-3 मोटी मोटी बातें वो देख लें। पहली बात तो वही लालच वाली के जी मार्केट रेट से कम बहुत एबनॉर्मल डिफरेंस है तो उनके कान खड़े होने चाहिए। दूसरी बात ये कि किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी ज़मीन की मलकियत ज़रूर देख लें। ज़्यादातर बिल्डर ये कर रहे हैं कि वो सरकारी ज़मीन पे कुछ मिली भगत से इदारों की SBCA या अपना जो DC ऑफिस होता है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहलकारों से मिलके वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए। टाइटल उनका नहीं होता, जमीन दिखा दे, प्रोजेक्ट इतना अच्छा कि लोग वहां जाते हैं और फिर वहां जाके उसको उनको ट्रैप कर लिया जाता है, जाहिर सी बात है, और वो ट्रैप हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्केटिंग कंपनीज को इतना हैंडसम परसेंटेज दी जाती है कि लोग मार्केटिंग तक ही नजर रखते हैं, उससे पीछे रियल बिल्डर, रियल कल्प्रेट, रियल बदमाश नजर ही नहीं आता। वो तो सिर्फ मार्केट की चकाचौंध में रह जाते हैं सिंपल लोग और उदिन को पैसे दे के, असल जो बाद में जब ज़रूरत पड़ती है उनको अपने पैसे वापस लेने के लिए मालिकान की, तो उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि इसका मालिक को। ठीक है लिसनर्स, आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर NAB कराची तारिक हमीद बट साहब। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं 4471 पर मैसेजेस के जरिए। तरीक़ेकार बहुत ही आसान, अपने मोबाइल फ़ोन के राइट ऑप्शन में जाइए, 101 के टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए और इसे 4471 पर रवाना कर दीजिए। साथ साथ facebook.com/101 पाकिस्तान पर भी आप पर आके क्वेश्चन कर सकते हैं और फौरी हम आपको इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं तारिक हमीद बट साहब, डायरेक्टर NAB कराची, और आप ही के लिए वो यहाँ पे मौजूद है, आप ही में आगाही के लिए NAB के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है उसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ मौजूद है। NAB का हम जिक्र कर रहे थे, अभी हमने कहा पब्लिक सेक्टर को भी डील करता है, प्राइवेट सेक्टर को भी डील करता है, तो रब्ता करने के तरीक़ेकार भी सर आप बता दीजिए, एक आम पब्लिक किस तरह रब्ता कर सकती है अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो। हमारी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर्स हैं जी, वेबसाइट है, ठीक है, और हमारा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, सही, और 7 रीजन्स हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान को 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया है जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर, मुल्तान, क्वेटा, सखर और 7वीं हमारी कराची है। ठीक है, तो इन रीजन्स में वो खुद जाएं, खत लिखें, या मतलब किस तरीके से वो आके आपसे बात कर सकते हैं, खत भी लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, खत से लिख सकते हैं। रीजन का जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है, वो जिस भी रीजन में जो भी कंप्लेनेंट बैठा हुआ है वो उस DG के नाम पे डायरेक्टर जनरल DG NAB और शहर आगे लिख दे सिर्फ। ठीक है,
सही जो मैंने सात शहर बताए हैं उनमें से और लेटर सीधा हमारे उधर पहुंच जाएगा ठीक है तो ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है बिल्कुल हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो एजुकेटेड भी हैं और समझते भी हैं उसको प्रॉब्लम को वो भी इस पे अटेम्प्ट करें और जो भी जिसको जिस तरह कोई इंफॉर्मेशन का पता चलता है कोई आइडिया है अगर किसी का तो वो ज़रूर बताएं मैं अपना यूनिवर्सल एक्सेस नंबर आपको बता देता हूं नैब का यूएएन है 111-622-622 सही रिपीट करता हूं 111-622 दोबारा 622 तो ये 9 डिजिट हैं जिसमें पहले तीन हैं 111 फिर 622 और फिर 622 सही इस नंबर पर हम लिसनर्स आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकते हैं इसके साथ में वेबसाइट एड्रेस भी आप बता रहे हैं जी हमारा वेबसाइट है nab.gov.pk ठीक है ये जी ये वेबसाइट आपको बता दी है इस पे सारी डिटेल मौजूद है इस पे ईमेल एड्रेस भी मौजूद होगा इस पे ये नंबर भी मौजूद होगा जो नंबर आपको बताया गया है और लिसनर साथ-साथ यहां पे वो सारे डायरेक्टर्स के नाम रीजन सारा आपको नैब के बारे में सारी तफसीलात इस वेबसाइट पे मिल जाएगी अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप सारी तफसील हासिल कर सकते हैं नैब के स्ट्रक्चर के हवाले से कि किस तरीके से हम कहां किस रीजन में कहां किस दफ्तर पे رابطہ कर सकें बिल्कुल ये इनिशिएटिव देखें हमारे चेयरमैन साहब जो हैं चौधरी